तो गाइज एक मूवी देखी ओपेनहाइमर, जो कि एक बायोग्राफी है फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की। ये फिल्म आपको देखने ही चाहिए अगर आप ये जानना चाहते हो कि वर्ल्ड का पहला एटॉमिक बॉम्ब किसने और कैसे बनाया, जिससे कि लाखों में मौत हुई थी और बाकी जो बच गए थे उनकी मौत रेडियो एक्टिव इफेक्ट के द्वारा हो गई थी। फिल्म को देखने का दूसरा रीजन ये कि इस फिल्म को वाइड एंगल डी फोकस आईमैक्स कैमरा से शूट किया गया है। ऊपर से क्रिस्टोफर नोलन का नाम ही काफी है इस फिल्म को देखने के लिए, और उन्होंने कहा भी है कि अगर आप बिना ग्लासेस के भी ये फिल्म देखोगे तो ये आपको 3D एक्सपीरियंस देगी। तो गाइस क्रिस्टोफर नोलन की ये हिस्टोरिकल बायोपिक फिल्म जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में होती है, जो कि एक फेमस अमेरिकन फिजिसिस्ट होते हैं जिनको हम आज के दौर में फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बातें मैं बोल रहा हूं या फिर फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है वो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। ओपेनहाइमर नाम का व्यक्ति सच में हुआ करता था, जो कि एक महान फिजिसिस्ट था जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब को रेडी किया था अपनी टीम के द्वारा। तो भाई ओपेनहाइमर एंड उनकी टीम अमेरिका से थे, जिन्होंने क्या किया, सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब को इन्वेंट किया था, बाकी का जो काम था वहाँ की गवर्नमेंट और US मिलिट्री ने संभाल लिया। उन्होंने क्या किया, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के दो बड़े शहरों नागासाकी और हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा दिए, एटॉमिक बॉम्ब, जिससे कि लाखों में मौत हुई और बाकी जो बच गए वो रेडियो एक्टिव इफेक्ट से प्रभावित हो गए थे। बात की जाए डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की, तो उनकी स्टोरी टेलिंग का जवाब नहीं, उन्होंने फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब की जर्नी को मास्टरफुली डिपिक्ट किया है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि एटॉमिक बॉम्ब को तैयार कैसे किया जाता है, बल्कि एटॉमिक बॉम्ब को तैयार करने वाला का क्या माइंड सेट रहता है वो भी दिखाया, और उसके पर्सनल लाइफ को भी ऑडियंस के सामने रखा। सीरियल उर्फी की बात की जाए तो इसे ओपेनहाइमर के कैरेक्टर में देखकर आप किसी दूसरे बंदे को इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो ओपेनहाइमर के कैरेक्टर में इतना जान भर देगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 घंटे की इस फिल्म में इसने अपने अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लिया। बात की जाए अदर कास्ट की, तो रॉबर्ट डोनी जूनियर जिन्होंने लेविस स्ट्रॉस का किरदार निभाया, जो कि एक नेगेटिव रोल था, इस रोल के जरिए उन्होंने साबित किया कि वो कितने वर्सटाइल है। वहीं अगर बात की जाए रिवली ब्लड्स की, तो उन्होंने ओपेनहाइमर का वाइफ का रोल निभाया था, जो कि बहुत सही था। इस मूवी का सबसे बवाल और इंटेंस सीन मुझे तब लगा जब ओपेनहाइमर और उसकी टीम लॉस एलामोस में एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट कर रहे थे। वो सीन इस मूवी का सबसे ज्यादा इंटेंस सीन था। मैं आपको बता दूं कि इस सीन में जो एटॉमिक बॉम्ब डेटोनेशन किया जाता है उसमें किसी भी प्रकार का CGI का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और युद्ध के पहले जब ओपेनहाइमर आइंस्टीन से मिलते हैं और थ्योरीज की बात करते हैं तो वो भी इस मूवी का हाईलाइट होता है। तो गाइस जब बात की जाए टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, तो क्रिस्टोफर नोलन ने ओपेनहाइमर के लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को बहुत ही परफेक्टली दिखाया है। मूवी का टॉप नोट साउंड डिजाइन होता है जो आपको काफी ज्यादा इम्प्रेस करेगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी टॉप नोट की थी और एडिटिंग का जो काम था वो भी काफी अच्छा था, खासकर की वो वंदन सीन जिसमें एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है विदाउट CGI। तो इसी के साथ मैं आपके ओपिनियंस भी जरूर जानना चाहूंगा कि आपका इस फिल्म को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है, जल्दी मिलूंगा आपसे किसी अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। पर मैं ये चमत्कार कर सकता हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगी, फौजी घर लौट आएंगे। ये सच में हो रहा है।